सितंबर माह में आगामी धार्मिक त्योहारों व आयोजनों को लेकर कुकड़ेश्वर पुलिस थाना परिसर में शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आहूत हुई। बैठक के दौरान मनासा SDOP विमलेश उइके, नायब तहसीलदार नवीन छलोत्रे, नगर परिषद अधिकारी कमल सिंह परमार, विद्युत वितरण केंद्र से नितिन उइके, पुलिस थाना प्रभारी राधेश्याम दांगी द्वारा मीटिंग के दौरान नगर व क्षेत्र में होने वाले आयोजनों की रूपरेखा व व्यवस्था के संबंध में उपस्थित हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, नगर के वरिष्ठ जन, जनप्रतिनिधि व पत्रकारों से समीक्षा की गई व आगामी त्योहारों को शांतिपूर्वक व सौहार्द के साथ मनाए जाने हेतु बात रखी गई। श्री गणेश चतुर्थी पर गणेश स्थापना स्थल व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था व अनंत चौदस को श्री गणेश जी विसर्जन जुलूस पर रूट व गतिविधियों पर समीक्षा हुई। वहीं मुस्लिम समाज के आयोजन के संदर्भ में आयोजन व रूट को लेकर समीक्षा हुई। SDOP ने उपस्थित जन को बताया कि आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए व शासन के निर्देशों के तहत कार्यक्रम संपन्न करें। वहीं नगर परिषद अधिकारी कमल सिंह परमार ने उपस्थित जन से अपील की है कि अनंत चौदस को श्री गणेश जी विसर्जन हेतु नगर परिषद द्वारा अपील है कि नगर के सभी जगह पर स्थापित श्री गणेश जी का विसर्जन नगर परिषद द्वारा गांधी सागर बांध में किया जाएगा। अतः नगरवासी से अपील है कि श्री सहस्त्र मुखेश्वर महादेव मंदिर के तालाब में विसर्जन न करते हुए व तालाब व नगर की स्वच्छता हेतु आगे रहकर सहयोग करें व नगर में स्थापित सभी श्री गणेश जी का सामूहिक विसर्जन गांधी सागर में किया जा सके, इस हेतु सहयोग प्रदान करें। नायब तहसीलदार नवीन छलोत्रे ने आयोजनों को लेकर अनुमति हेतु बात रखते हुए सौहार्द के साथ आयोजन करने की बात रखी। वहीं थाना प्रभारी राधेश्याम दांगी ने श्री गणेश स्थापना स्थल चल समारोह रूट पर पुलिस प्रशासन की तैनाती व सुरक्षा की दृष्टि के तहत बात रखते हुए अपने अपने धार्मिक आयोजनों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने हेतु अपील की गई।